गाइस को हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलता ना, हेलो ऐसे से कौन करता है हेलो। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। बहुत दिनों के बाद कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, डेफिनेटली आप लोग से शेयर करूँगी। मैंने अभी फादर्स डे में एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें दो कॉमेंट आए थे कि इनका ऐसे ही रहता है, कुछ दिन बाद फिर बोलेंगे कुछ एक्सक्यूज़ देके कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, रीज़न नहीं बताएंगे बट ये कहेंगे कि हम कुछ रीज़न था इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाली थी। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चीज़ें रहती है जो मैनेज नहीं हो पाती है, तभी किसी चीज़ को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। वरना मेरे लिए यूट्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे, मेरी ज़रूरत भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मतलब होपफुली आप लोग समझोगे इस चीज़ को एंड डिटेलिंग में बात करेंगे आगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपने लंच का तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, अभी जैसे बाबू सोया हुआ है ना, तब तक मैं लंच का भी राइस छोड़ के जितना भी प्रिपरेशन होता है, जो भी बनना है वो मैं कोशिश करती हूँ कि बना लेने का, ताकि उसको मेरे साथ किचन में सफ़र ना करना पड़े। और आज जो है लंच में सब्जी बन रहा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है अगर सीजनल है, एक आध बार मिल गया तो ठीक है, बट रेगुलर लाइफ में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज जो सब्ज़ी बनने वाली है वो बंदा गोभी की बन रही है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में, थोड़ा सा ठीक लगे, इसलिए मैंने इसमें ना थोड़ा सा सोयाबीन भी डाल दिया है, क्योंकि मुझे भी न्यूट्रिला बहुत पसंद है और इन्हें भी बहुत पसंद है, तो हम दोनों का ना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया ना, आलू और सोयाबीन डाल के इसमें साथ ही साथ बंदा गोभी डाल के और बहुत ही सिंपल और बेसिक मसालों से तैयार किया हुआ रेगुलर सब्जी मैंने तैयार कर लिया है। जैसे कि कभी बाजार गई ना और बंदा गोभी मिल गया ना, तो उसका मोस्टली हमारे घर पे ना पकौड़ी वगैरह बन के बंदा गोभी ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज ना मुझे ज़्यादा सब्जी इसका खाना पसंद है ना इन्हें ज़्यादा पसंद है। एंड कभी अगर डाइट वाइट पे मैं रही, ज़्यादातर रहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी रही तो इसका नॉर्मल सा थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाल के, ग्रीन चिली डाल के मैं भुजिया बना के खा लेती हूँ रोटी के साथ। मतलब यूँ समझो कि इसका जो सीजन होता है उसमें एक या दो बार ही मेरे घर पे बंदा गोभी आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो बस आज मार्केट से आया हुआ था तो रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो आज इसको बना के ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें बस सब कुछ, सारे मसाले को अच्छे से भून के और आधा गिलास पानी डाल के एंड फिर इसको सीटी लगा देंगे। और आज बहुत ही सिंपल खाना बनने वाला है राइस एंड सब्जी, इसके अलावा मतलब अगर पापड़ सलाद सब होगा तो ठीक है, वो सब तो खाने के टाइम में डिसाइड होता है कि आज क्या मूड कर रहा है खाने का। इधर मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, एक्चुअली वो अपना काम कर रहे हैं तो अभी ब्रेकफास्ट भी उनको चाहिए। 9 बज चुका है और हम लोग उठे थे 7 बजे, तो ऑब्वियसली उठने के 2 घंटे बाद आपको ऑब्वियसली भूख तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे बस उनके लिए फटाफट मैं तैयार कर रही हूँ ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि आज उनका मन भी था और मैंने भी सोचा चलो इजी टू मेक है तो मैं फटाफट बना देती हूँ। तो मैंने 2 अंडे को तोड़ के और सब कुछ प्याज धनिया पत्ता हरी मिर्च डाल के, नमक वगैरह डाल के मैंने अच्छे से ऑमलेट को फेंट लिया था, और इसको ऑमलेट बना के इसमें 2 ब्रेड का स्लाइस जो है ना डिप करके एंड फिर पलट अलट के इसको सेक लेंगे। वैसे ना ये बहुत ही सिंपल होता है ब्रेकफास्ट, लेकिन बहुत फुलफिलिंग होता है और अच्छा भी लगता है। कुछ लोग इसे मीठा खाना पसंद करते हैं तो टोमेटो केचप के साथ सर्व करते हैं, एंड कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो सेजवान चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि किचन में गर्मी लगती रहती है और ये हमारा किचन का दरवाज़ा है जिससे ये बालकनी जो है वो रनिंग वाला इससे अटैच्ड है, इसे 2 कमरे और अटैच्ड है। आप मेरे मैंने होम टूर दिया था उसमें आपने देखा होगा। तो बस मैंने अभी कुकर में सीटी आ गई थी तो उसको ऑफ कर दिया है, इनको ब्रेकफास्ट दे दिया है और मैं आराम से आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी में और थोड़ा ठंडी ठंडी ताज़ी हवा खाने। यहाँ बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं। अभी मॉर्निंग के टाइम में ना थोड़ा हवा जो है बालकनी में बहुत ही अच्छा आता रहता है, थोड़ा चलता रहता है तो अच्छा लगता रहता है घूमने में। तो बस वही घूम रही हूँ, यहाँ देख सकते हैं कबूतर जो है पूरा बालकनी में बीट कर करके परेशान कर देता है।
पर कोई नहीं, मैंने सोचा इसमें वो जाला लगवाने के लिए, जो कबूतर वाला आता है ना घेरा, वो लगवाने के लिए, क्योंकि साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। एक कबूतर आता है, दो आता है, फिर पूरा झुंड में चला आता है, तो बहुत मैसी सा रहता है बालकनी। तो मैंने सोचा तो है लगवाने का, अब देखते हैं कब लगता है। एंड अभी आदू सोया हुआ है, मेरा लंच का मतलब सब्जी भी बन गया हुआ है, एंड ब्रेकफास्ट भी इनको दे दिए हैं। ये दो तीन दिन ऐसा होता है ना, जो आपको पसंद ना हो अगर वो कभी आपने खाना खा लिया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें खा लिया, तो उसके बाद आपको बहुत क्रेविंग होती है कि नेक्स्ट फूड जो भी मैं खाऊँ, नेक्स्ट खाना जो भी मैं लूँ, वो पसंद का होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड का ऐसा डिमांड आया कि कुछ ऐसा खिलाओ जो मज़ा आ जाए। तो बस आज मैं बिहार में जो अक्सर ठेला पे मिलता है ना, वैसी मैं बना रही हूँ घुघनी, और उसके साथ कचौड़ियाँ जो कि सत्तू से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, चने भिगो दिए थे 6-7 घंटे, उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया, एक आलू, थोड़ी सी हल्दी और आधी चम्मच नमक डाल के, और 4 सीटी आराम से इसको आने देंगे। तब तक इधर ना बाकी के प्रिपरेशन कर लेते हैं। सीटी भी अच्छी खासी आ चुकी है चारों, तब तक मैंने गैस बंद कर दिया है, वो जब तक ठंडी हो रही है तब तक मैं इधर सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ ताकि फटाफट जो है चीज़ें बन जाए। क्या होता ना, आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, दिल्ली में लगभग 45 डिग्री से कम तो मतलब होने का नाम ही नहीं लेता, कभी कभी तो 50 तक चला जाता है, और इतनी गर्मी है कि मतलब बता ही नहीं सकते। अभी 1-2 दिन से मौसम फिर भी बारिश वाला जैसा लगता है, मतलब बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हाँ धूप उतनी कड़क नहीं निकलती है, बारिश जैसा मौसम रहता है। गर्मी तो फिर भी है बट ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। इधर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है, जैसे कि धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नींबू, अदरक और लहसुन, इस सबको ना कूट लेंगे क्योंकि आगे हमें यही काम आने वाला है। वैसे आप चाहो तो सब एक साथ भी कूट सकते हो क्योंकि हमें सबको ही कूटना है, लेकिन क्योंकि मेरा जो है कूटने वाला जो ओखल है वो छोटा है, इस वजह से मैं आधा आधा करके कूट रही हूँ। तो पहले आधा मैंने ले लिया है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इसको अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ देख सकते हैं दरदरा सा ऐसा कूट गया हुआ है। सो अब इसको रखते हैं साइड में, एंड अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। वैसे ये सब बनाना ना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो चीज़ें हमें बाज़ार में मिलती है ना, वो अगर ज़्यादा टाइम लगाकर बनाएंगे ना तो फिर वो बेचेंगे या बनाएंगे, तो इसीलिए ये सब ना इजी है एकदम, बिल्कुल ठेला टाइप में आपको बता रही हूँ, जो काट वाट पे मिलता है ना वैसा। बिहार का सुपर डिलीशियस मतलब सत्तू की कचौड़ी और ठेले वाली घुघनी, जो कि बहुत आसान होता है बनाना। उसके लिए मैंने चने, भुने चने की सत्तू ले ली है, ये आप घर में भी सत्तू तैयार कर सकते हैं जिनको नहीं पता है, और जो बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें सत्तू बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। बेसिकली जो काला चना होता है ना, उसे भुन के और उसको ग्राइंड करके हम सत्तू तैयार करते हैं। पैकेट में मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, तो आपको आसानी से भी ये मिल जाएगा। वैसे मैं तो इसको बिहार से ही मंगवाती हूँ, जब भी घर जाती हूँ या घर से कोई आता है ना तो फिर लेके आते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपके आंखों के सामने क्या करता है ना, चना को ग्राइंड करके सत्तू बना के देता है, सो प्योरिटी पे कोई डाउट नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने सत्तू में ना एक नींबू का जूस ले लिया है पूरा, फिर 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसमें सरसों का तेल ही लीजिएगा तभी अच्छा फ्लेवर आएगा बिहार टाइप का। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, धनिया पत्ता जो काट रखा था वो डाला है, उसके बाद जो कूट रखा था हरी मिर्च, अदरक और लहसुन वो डाल दिया है, थोड़ा सा चुटकी भर अजवाइन को हाथ पे रगड़ के वो डाल दीजिएगा, और उसके बाद हाथों की मदद से ना अच्छे से मैश करके इसको मिक्स कीजिएगा। ये काम ना आप हाथों से ही कीजिएगा, चम्मच से बिल्कुल मत कीजिएगा, मतलब स्पून से वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिक्स होगा, इसको हाथ से ही मिक्स करने में इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस होगा। तो यहाँ सत्तू भी मिक्स होकर रेडी हो रखा है, तो इसको मैं करती हूँ साइड। अब दूसरी तरफ आटा लगा लेते हैं। जब तक उधर कुकर का मतलब जो है ठंडा होगा ना, सीटी निकलेगा ना, तब तक इधर बाकी की सारी प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आटा लगाने के लिए जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, आप चाहें तो इस जगह पे मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब क्योंकि घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो बस मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ही लिया है, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच सूजी लेके, और इसको मोयम देंगे बहुत ही अच्छे से। वो एक्चुअली नमक और सूजी का जो क्लिप था ना वो लेना ही भूल गई, लेना भूल नहीं गई, मेरे को लगा रिकॉर्ड हो रहा है बट एक्चुअली रिकॉर्ड हो नहीं रहा था, मैंने कैमरा बंद कर लिया था, तो सॉरी इसके लिए। मैं फिर अगर कभी बनाती हूँ तो आपको प्रॉपर वीडियो दे दूँगी। वैसे इसमें जो मैंने बताया आप वैसा ही करेंगे, और अच्छे से मोयम करके जब आपको आटा अच्छा लगे कि ये मुट्ठी में बंध रहा है, तब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। और जो इसका डो होगा ना वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, रोटी जैसा बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा ये टाइट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारा डो एकदम कंप्लीट हो चुका है, इसमें ना हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के और ऊपर से इसको मिक्स करके, ताकि ये ना सूखे ना आटा, इसलिए, और ढक करके छोड़ देंगे दूसरी तरफ
तब तक हम घुघनी बना लेते हैं, क्योंकि वो भी बनाना बहुत आसान है, 10 से 15 मिनट में वो भी बन जाएगा, तब तक आटा भी रेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप काम को मैनेज कर सकते हैं। वैसे अभी गर्मी के हिसाब से तो हमारा सारा काम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। तो उधर जब तक आटा रेस्ट हो रहा है ना, इधर हम घुघनी तैयार कर लेते हैं जिसके लिए। और हाँ, घुघनी भी हम सरसों तेल में ही बनाएंगे, बिकॉज टेस्ट ऐसे ही आएगा। तो चलिए, हमने ले लिया है तेल, तेल गर्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने कूट रखा था ना, बाकी जो बचे हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्च थे ना, वो मैंने कूट लिया था, और वो फिर इसमें डाल के थोड़ी देर भून लेंगे, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए थोड़ा सा। और उसके बाद जो भी बॉयल कर लिया था ना, चना और आलू, देख सकते हैं चना के अंदर आलू बॉयल हुआ है ना, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो बस जो भी बचा था ना, उसके साथ पानी वगैरह, जितना भी आपका बचा हुआ पानी हो ना, सबको डाल दीजिएगा। मेरे में मैंने पानी ही कम डाला था, इस वजह से आपको कम दिख रहा है। वैसे आपको जितना पानी, पानी को वेस्ट मत कीजिएगा, आप इस घुघनी में डाल दीजिएगा, टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, बस थोड़ा थोड़ा मसाला ही इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और इस सबको अच्छे से भून लेंगे, और अगर आपके में पानी बचा हो ना तो कोई बात नहीं, वो पानी जो बॉयल होगा ना, उसी में ये मसाले जो है ना वो भून जाएंगे। ये मसाले भूनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी भून जाता है। तो और अगर कम पानी रखेंगे तो मेरी तरह आपको ऐसा कम पानी बचेगा। तो देख सकते हैं, ये मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो इसी में जो है वो मसाला भून चुका था, जो चना था वो भी थोड़ा बहुत भून गया था। अब क्या करेंगे ना कि इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज सब कुछ रेडी है, तो इसको बॉयल लाना ही सिर्फ इतना ही काम बाकी है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हम बता दें, जब भी कचौड़ी और घुघनी बनती है ना, तो घुघनी में पानी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कचौड़ी पर सर्व करोगे ना, तो वो जो रस्सा होता है ना ग्रेवी, वो एब्जॉर्व करता है, तो उसमें आपको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा पतला रस ही रखा है, क्योंकि उसमें ना ग्रेवी बहुत पतला रहता है, तो ये अच्छा लगता है। अब ठेले पे अक्सर आप देखते होंगे जो बिहार से होंगे, या फिर अगर आप जाना ना बिहार, तो आप ये ट्राई ज़रूर करना। अक्सर आपको ये ना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सारी जगह पे तो डेफिनेटली ये मिल जाएगा बिहार में। तो बस मैंने भी यहाँ पे क्या कर लिया, थोड़ा सा दलघोटनी की मदद से ना चना को मैश कर लिया, ताकि वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैंने मैश कर लिया। अब इसको अच्छे से बॉयल ले आएंगे, और मेरे को थोड़ा और पानी ऐड करना था, क्योंकि थोड़ा कम लग रहा था, इस वजह से अब इसको अच्छे से बॉयल आएंगे। एक बॉयल आने के बाद अब इसको कोई तामझाम नहीं करना है, बस इसको गैस को बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये घुघनी बनके बिल्कुल रेडी है, एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है, आपको भी बना के ट्राई करना। तो घुघनी भी तैयार है, तो अब हम दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं ना, जो भी चीज़ें हमें इसमें रखना है ना, वो सारी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्याज को अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका ना ये नेचर बन गया है कि कुछ दिन वीडियो डालते हो, लाइक 1-2 महीने, और उसके बाद अचानक से गायब हो जाते हो, फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर वीडियो आता है। तो देखिए, मैं उसके लिए ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊँगी, जिसमें इस सारी चीज़ों का रिप्लाई दूँगी। फिलहाल तो यहाँ पर रेसिपी देख लेते हैं कि क्या मैं कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह कट करके मैंने रख लिया है साइड में, इधर आटा भी जो है रेस्ट कर लिया अच्छे से, एंड सत्तू भी तैयार है मिला के। तो यहाँ पे सारे ही आटा को ना एक साइज़ में कट कर लेंगे, क्योंकि हाथ से तोड़ते ना तो वो अलग अलग साइज़ का निकलता है, इस वजह से मैंने क्या किया ना, उस सबको चाकू की मदद से एक साइज़ का ही इसको कट कर लिया। अब इसमें ना अच्छे से इसको कटोरी बना के इसमें फीलिंग डाल देंगे। फीलिंग है ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर मत डालिएगा, क्योंकि कचौड़ी जब जाएगा ना तेल में तो वो फूट जाएगा अगर बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो बस आपको इतना ही डालना है, ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा आप देख सकते हैं जिस हिसाब से मैं डाल रही हूँ उसी हिसाब से डाल के इसको अच्छे से बंद करना है, ताकि ये कहीं से खुले नहीं। और कटोरी कुछ इस हिसाब से बनाना है कि साइड का जो कॉर्नर है ना वो पतला पतला होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, और उसके बाद हाथ को इस तरीके से घुमा घुमा के अच्छे से इसको सील कर लेंगे, और हाथ से ही आप इसको दोनों साइड से थोड़ा सा इसको चपटा कर लीजिएगा, जिससे इसको बेलने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ उधर 4-5 कचौड़ियाँ मेरी हो गई थी, तो मैंने इधर तेल भी गर्म कर लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसा करना है कि तेल सिर्फ गर्म नाम मात्र होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं किस तरीके से मैं कचौड़ी को बीच से थोड़ा बहुत इसको इससे गड्ढा करके एंड फैला के एंड फिर तेल में डाल देंगे। और सबको डालने के बाद में इसको टच मत कीजिएगा, इसको
तेल में कुक होने दीजिएगा। जैसे ही एक एक करके कचौड़ियाँ ऊपर आना शुरू हो जाएगा ना, फिर इसको पलटे की मदद से जो है पलट दीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स है, बस इसको फॉलो कीजिएगा तो बाजार जैसा आपको लिट्टी बन के घर में ही तैयार होगा, जिससे आपको बाजार की कचौड़ी खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली जो लोग बिहार से हैं और बाहर रहते हैं और इस खाना को, इस फूड को, स्ट्रीट फूड को मिस करते हैं, तो डेफिनेटली अपने घर में बनाइए और इस तरीके से इन्जॉय कीजिए। और चाहें तो अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि घर में बना रहे घर के लोग खाएंगे, तो गेहूं का आटा ही इस्तेमाल किया। और देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार हुआ है, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। आप चाहें तो टेस्ट है ना मैदा का थोड़ा अलग टेक्स्चर टेस्ट आता है, तो आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं या फिर आधा आटा आधा मैदा डाल के भी बना सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, किसका टेस्ट पसंद है, या फिर आपको मतलब आप क्या प्रीफर करते हैं, तो आप अपने हिसाब से आटा का चूज जो है वो कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ देख सकते हैं एकदम फुली फुली कचौड़ियाँ सारी बनी हैं, तो बस इसको ज़्यादा पलटना उलटना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 बार पलट लीजिएगा। इसमें एक सुनहरा सा कलर आ जाएगा जैसा आपको बाजार में मिलता है। कलर आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर लाइट खाना है तो ये डेफिनेटली आप इस वक्त आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और ब्राउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गैस का फ्लेम ना शुरू से लेकर अंत तक आपको लो ही रखना है, मीडियम और हाई बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि लो रखिएगा ना तो क्या होगा, कचौड़ी अंदर से भी पकेगा, क्रिस्पी भी होगा और जल्दी सॉगी भी नहीं होगा, मतलब जो लचीला हो जाता है ना ठंडा होने के बाद वो नहीं होगा। तो उसके बाद ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है, एकदम जैसा मुझे चाहिए। अब इसको हम तेल से बाहर कर लेते हैं एक छन्नी में, जैसे छन्नी हो गया या फिर कोई भी बड़ा ऐसे जालीदार चीज़ हो ना उस पर आप निकालिएगा, तो ये देर तक क्रिस्पी रहेगा। और जब तक ये कचौड़ी छन रहे थे ना, मैं बाकी के भी कचौड़ी को फीलिंग कर ली थी, भर ली थी। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए जब भी सेकेंड बैच आपको छानना हो ना, तो तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने गैस को ऑफ कर दिया हुआ है एंड तेल का टेम्परेचर चेक किया है, तो 2 मिनट के बाद मुझे इतना टेम्परेचर मिल रहा है जिसमें कचौड़ियाँ आराम से आ रही हैं। यहाँ देख सकते हैं बुलबुले निकल रहे हैं। तो आपको भी अगर बाजार जैसा खाना होना, तो पहला बैच के बाद थोड़ा सा समय दीजिएगा, तेल को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिएगा। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि तेल को ठंडा करके नहीं खाना चाहिए, तो देखिए जी ऐसा है कि तेल को ठंडा करके नहीं खाया जाता है, लेकिन अब क्या बाजार जैसा बना रहे तो ऑब्वियसली थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मीडियम फैमिली में क्या होता है ना, कि तेल जैसे हम पकाए कोई भी चीज़, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी टाइम में हम 2-4 चीज़ें बना के तेल को ख़त्म कर ले, कोशिश यही रहती है। लेकिन कभी कभार अगर बच जाता है ना तेल, तो उसे हम रीयूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसे हम फेंक नहीं सकते। और यहाँ देख सकते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार हो चुका है। हम इसकी क्रिस्पीनेस आपको चेक कराते हैं। तो आवाज़ सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि कितना ही क्रिस्पी और खास्ता बन के तैयार हो चुका है। और अंदर की जो फीलिंग है ना वो भी बहुत परफेक्ट है, कचौड़ियों की जो ऊपर की लेयर है ना वो भी पतली है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड बैच भी रेडी हो चुका है, तो अब चलिए आपको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं। और प्लेटिंग भी करेंगे ना तो बिल्कुल ठेला जैसा, जैसे मार्केट में मिलता है मतलब कार्ट पे। तो सबसे पहले क्या कचौड़ी को ऐसे रफली तोड़ेंगे, मतलब कहीं से टूटा होना चाहिए कहीं से नहीं भी टूटा होना चाहिए, तो रफली तोड़ के और उसके बाद हम जो घुघनी बना रखे हैं ना आलू डाल के, उसको ऊपर से कचौड़ी के ऊपर डालेंगे। और ग्रेवी को ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ग्रेवी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और ग्रेवी आप रखिएगा भी ज़्यादा अपने घुघनी में, मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर कटा हुआ प्याज जो हमने पहले ही काट के तैयार कर रखा था, और बाजार वाला आलू भुजिया जो आता है ना मिक्सचर, वो ऊपर से डाल के गार्निशिंग कर लीजिएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, तो एक बार आप इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट सारे ही पढ़ती हूँ, तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, कैसा बना। गाइज मुझे शिखा पांडे जी ने सजेस्ट किया है कि आप अपने बेबी को ना ग्राइप वाटर दो। यहाँ आदू खेल रहा है अपनी गाड़ी से। आदू बेटू, उन्हीं के सजेशन से मैंने मंगवाया है अपने बेबी के लिए एक ग्राइप वाटर की बोतल। ये मुझे 80 रुपीज की पड़ी है और मैं पिला के देखती हूँ कि क्या होता है इससे। वैसे इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है कि यूजफुल ड्यूरिंग टीथिंग पीरियड में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है फॉर बेबी, एंड उसके डाइजेशन में भी अच्छा होता है और हेल्दी ग्रोथ भी होता है। तो मैं देखती हूँ पिला के क्या होता है। वैसे गर्मियों में
मैंने मम्मी से भी डिस्कस किया इसके बारे में, तो मम्मी तो बोली है कि तुम लोग को मैंने पिलाया हुआ है, तुम चाहो तो पिला सकती हो। तो फिर देखते हैं आदू को पिला के। वैसे कहते हैं कि गर्मियों में देना चाहिए क्योंकि बेबी उतना वाटर कंज्यूम नहीं कर पाता है, इसलिए भी ग्रेप वाटर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो मैंने मंगवाया है, देखते हैं यूज़ करके क्या होता है, मतलब इसको कैसा लगता है बाबू को। तो वैसे तो इसमें जो डोज लिखा हुआ है ना, वो भी यहाँ पे मेंशन है, किया हुआ है। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न इन्फेंट के लिए, अगर आप छोटा बच्चा है मतलब न्यू बॉर्न जो होता है उसके लिए 2.5 ml दिया हुआ है, 1 से 6 महीने के बच्चे के लिए 5 ml, 6 to 12 months के लिए 10 ml, एंड 1 to 3 years के लिए 10 to 15 ml। तो आदू हमारा 10 to 15 ml में जाएगा। तो देखते हैं पिला के, एक दिन में 3 बार देना है तो इसको कितना फ़ायदा होता है, एंड अगर इसे टीथ आता है कि क्या होता है पता नहीं मुझे, बट इसमें वैसे मेंशन तो है कि यूज़फुल ड्यूरिंग टीथिंग पीरियड, उसको आराम मिलेगा जब उसको दांत आएगा तो। आदू क्या कहना तेरा है, पिएगा ग्रेप वाटर? हाँ गाइस को हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलता ना, हेलो ऐसे से कौन करता है, हेलो हेलो हेलो। आदू लाइक इट, पीना है? ये बहुत ही ज्यादा चूजी है, इसको जो पसंद नहीं आता है ना ही वो चीज वो खाता है ना ही पीता है। अभी देखते हैं इसको, इसका टेस्ट जो है वो कैसा लगता है और पीता है कि नहीं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।